नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फोर साइड्स फोर मिनट्स में। यूपी सरकार ने अखिलेश को जेपी सेंटर जाने से रोका, सपा प्रमुख ने घर में लगी लोकनायक की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव ने माल्यार्पण के बाद कहा कि ये लोग म्यूजियम बेचना चाहते हैं, कब तक पुलिस खड़ी रहेगी। अखिलेश के समर्थन में बोले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, जेपीएनआईसी को ध्वस्त करना चाहती है बीजेपी। बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर आरजेडी का निशाना, बताया हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश। महादेव बैटिंग ऐप का मालिक दुबई में डिटेन, एक हफ्ते के अंदर लाया जा सकता है भारत। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को झटका, चार निर्दलियों के समर्थन से उमर अब्दुल्ला ने खेला कर दिया। पाकिस्तान की शर्मनाक हार, 147 साल में पहली बार किसी टीम का हुआ ऐसा हाल, इंग्लैंड ने धो डाला। ट्रंप घटाएंगे बिजली के दाम, केजरीवाल बोले अमेरिका पहुंच गई दिल्ली की फ्री रेवड़ी। एक दिन पहले पीएम मोदी को दोस्त बताने वाले ट्रंप ने अब भारत की नीतियों पर उठाए सवाल। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को नहीं खाली करना होगा घर और फार्म हाउस, बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत। ईस्ट एशिया समिट के मंच पर पीएम मोदी की धाक, उद्घाटन स्पीच के तुरंत बाद बुलाया गया संबोधन के लिए। रजनीकांत अमिताभ के साथ आने वाले बॉक्स ऑफिस पर आई बहार, वैटैया को मिली शानदार शुरुआत। कोंडा सुरेखा की बड़ी मुश्किलें, नागार्जुन ने मंत्री कोंडा सुरेखा पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया। रतन टाटा के निधन पर बोले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, मैक्रों ने कहा कि फ्रांस ने भारत से एक प्रिय मित्र खो दिया। मायावती ने किया ऐलान, अब कभी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी बीएसपी। फोर साइड्स फोर मिनट्स में इतना ही, देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।